नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मदेव, जय माँ सरस्वती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में होने वाले हैं बहुत बड़े चमत्कार। इन 24 घंटे में दोस्तों, बता दें 10:48 के बाद में आपके जीवन में होंगे बड़े चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, सोने के रथ पर सवार होगी आपकी किस्मत। लेकिन दोस्तों, दुश्मनों से सावधान रहे, नहीं तो वो आपको बहुत बुरी नजर लगा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, आपके जीवन में बड़े चमत्कार हो सकते हैं और इन 24 घंटे में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ब्रह्मदेव के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है और आपका भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, इस समय को आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बड़े चमत्कार आपके पक्ष में आ रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों हर प्रकार से आपको नई और बड़ी जानकारी प्राप्त हो सके और आप जानेंगे कि कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार आपके जीवन में बड़ा चमत्कार आपकी तरफ बढ़कर आने वाला है, इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, याद रखें कि लोग आपका ना चाहते हुए भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आपका फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। याद रखें दोस्तों, ये लोग ऐसे हैं जो आपके सामने आपकी तारीफ करके पीछे आपकी बुराई करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति होती रहती है, लेकिन इससे आप लोगों को बचने की आवश्यकता है। याद रखें, जब ऐसे कार्यों का निर्माण होता है तो शनि का प्रकोप आपके ऊपर सबसे ज्यादा बदलता है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को शनि के प्रकोप से भी बचने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में यदि आप बेहतरीन परिवर्तन चाहते हैं और रोजाना आप हमारी जानकारी सुनते हैं, तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। एक प्रकार की समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या आपके सर पर चढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ आपके जीवन काल में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसके कारणवश आपके जीवन में दोस्तों जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज की इस वीडियो को आप आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसे करने मात्र से आप सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपका दोस्तों जो पैसों की दिक्कत है वह भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप ब्रह्मदेव को अपना देवता मानते हैं और आप माँ सरस्वती को अपनी माँ मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय ब्रह्मदेव, जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए बात करते हैं अगले 24 घंटे में होने वाले कुछ बड़े परिवर्तनों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे आपके राशि के महाराशि फल के बारे में, जिसमें आपका व्यापार, करियर क्षेत्र और नौकरी के क्षेत्र में कौन से बड़े परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण सावधानियों को बहुत ही ध्यान से और कान लगा कर सुनिएगा। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र और झूठे सेवक और सांप, इन चार चीजों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसे लोगों से कोई संबंध रखेंगे तो फिर आप मुसीबत को बुलावा दे रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज का विशेष ज्ञान पसंद आया हो और आप कुछ खास सीख पाए हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी कुछ विशेष सावधानियों के बारे में। दोस्तों, संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपके जो कार्य बिगड़े हुए थे वह अब बनने वाले हैं। आपको स्वभाव को संबोधित करने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की मधुरता के कारण सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जो युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, ग्रह स्थिति अच्छी है, समाज में नई पहचान मिल सकती है, प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, काम पर बड़ा बोझ हो सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को काम से कुछ समय थोड़ी छुट्टी ले लेनी चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों, स्टील व्यापारियों के लिए भी समय काफी उचित है। यदि आप कहीं पर अपना पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर किसी कार्य में आप असफल होते हैं तो आप लोगों को कुछ बैकअप प्लान यानी कि थोड़ी सेविंग्स, थोड़ी बचत करने की भी आवश्यकता है। व्यवसाय को लेकर के अगर मैं बात करूं, बिजनेस पर पूरा ध्यान दें, मौजूदा गतिविधियों पर भी ध्यान दें।
नौकरी पेशा लोग सरकारी मामले में उलझन रख सकते हैं। हर काम में बहुत अधिकतर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार वालों के साथ में मनोरंजन का प्रोग्राम बनाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों तालमेल आप लोगों का काफी बेहतर रहने वाला है, जो आप लोगों को सुकून की प्राप्ति कराएगा। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में दिए गए कार्य को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आपने जो निवेश किया हुआ है उसका फायदा होगा। घर में पूजा पाठ आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार वालों के साथ में आप किसी धार्मिक कार्य में जाने की योजना बना सकते हैं। सभी लोग खुश नजर आएंगे, आपके मन को शांति मिलेगी। विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और उसमें जीत भी हासिल करेंगे। घर में पूजा पाठ हवन आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार वालों के साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाएंगे। निवेश की योजना है तो तुरंत कार्य करें, फायदा होगा। सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी में समय बीतेगा, खर्चा ज्यादा हो सकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। आप अपने मनोरंजन व अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज ना करें। नौकरी और बिजनेस में मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे। अंदरूनी व्यवस्था और काम करने के तरीकों में बदलाव की जरूरत है। आप इसमें दस्तावेज संभालने में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दोस्तों घर तथा परिवार में कुछ अनबन रह सकती है। इसके साथ ही दोस्तों व्यवसाय सभी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। आपके व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। किसी विशेष कार्य के प्रति किए गए प्रयासों की सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलने से मन को सुकून मिलेगा। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा। कोई विकास निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य कर लें। युवा वर्ग अपनी मेहनत के मन अनुकूल परिणाम मिलने से चिंतित होंगे। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होना उचित नहीं है। इस समय व्यवसाय संबंधी प्रत्येक कार्य सावधानी से करने की जरूरत है। दोस्तों आप नया घर खरीद सकते हैं। नए वाहन की खरीदारी करना चाह रहे थे तो दोस्तों आपका वह भी कार्य पूरा होगा। और दोस्तों मकान नए वाहन भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बातें हैं दोस्तों, पिछले कई समय से आप दोस्तों कुछ चीजें सोच रहे थे, यात्रा के बारे में प्लान कर रहे थे, कहीं जाने या फिर घूमने के बारे में, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां उत्पन्न करेगा और इस समय आप लोगों की रुचि यात्राओं में बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें, यात्रा पर भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ यात्राओं पर जाने से पहले आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यात्रा पर आप जाएं तो दोस्तों पूरी सावधानी पूर्वक जाएं, दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, व्यवसायिक धंधे में आर्थिक लाभ भी और नौकरी में भी तरक्की के भी योग बनने वाले हैं। ग्रह नक्षत्रों के दोस्तों अनुकूल रहने से आप आज लोगों को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दोस्तों पैसों के लेन देन से आपको आज बचने की आवश्यकता होगी, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप अपनी योजनाओं के बारे में किसी के सामने ज्यादा कुछ ना कहें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने की आवश्यकता है। यदि दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने राज की बातें आप अपने तक ही रहने दें, अन्यथा आपका कोई गुप्त राज किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो इसका अधिक खराब लाभ उठा सकता है। दोस्तों स्टील से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए भी समय काफी अनुकूल चल रहा है, इसलिए दोस्तों आप सभी को मैं ये बात बताना चाहूंगी, इस समय आप नया व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो वह आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, पर थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बता दें कि आपको अपने निर्णय को ही मान्यता देने की आवश्यकता है। पब्लिक डीलिंग के लिए कार्य में दोस्तों आपको फायदा होने वाला है। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो आपको ये बात बता दूं कि ज्यादा दिमागी काम करने से आप लोगों को सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसके साथ ही साथ पेट में गैस या फिर दर्द की शिकायतें भी रह सकती हैं। दोस्तों ताजा फलों के जूस और खान पान में भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों अब बात करूं अगर मैं आपके लिए कुछ खास चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों आज आपके लिए माता पिता की विशेष सेवा करना, जैसे उनके पैर दबाना या उनके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाना बहुत खास रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।